अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। खाद की कमी से किसान काफी परेशान है। बीते दिनों में देखा गया कि किसानों को खाद के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा। इसके साथ साथ कई मध्य प्रदेश के ऐसे जिलों में भी ये चीज देखी गई कि किसानों पे पुलिस वालों ने बर्बरता से लट चलाई। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने ये कहा है कि खुद को किसान पुत्र बताने वाले शिवराज सिंह चौहान किसानों की समस्याओं पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान सिर्फ चुनाव प्रचार और प्रसार में है। भाई साहब, अब इसमें कहना तो यह है कि खाद की कमी हमेशा से रही है और अभी भी किसान के खेत तक का या किसान के घर तक खाद नहीं पहुँचा। उसका कारण ये रहा कि एक तरफ तो प्रशासन कहता था कि हम किसान के साथी हैं और कई जिलों में कई तहसीलों में अब के साल सोयाबीन बिल्कुल भी नहीं निकली, जीरो, जिन्होंने सिर्फ हार्वेस्टर बखर कर दी, जुताई कर दी है और उन किसानों को खाद की पूर्णतः आवश्यकता है और वो किसान ये चाह रहे हैं कि हमें कैसे तैसे में खाद मिले। सरकार के पास खाद, सरकार से जब बात होती है कर्म अधिकारियों से तो वो कहते हैं खाद तो है लेकिन आप पैसा दो। अब जब किसान के पास पैसा नहीं है, उसकी पूर्णतः फसल खराब होगी, ना उसको राहत मिली, ना उसको जो 2019-20 का बीमा मिला और ना आज तक कोई किसान को राहत मिली। इस कारण किसान परेशान है, दुखी है और मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी है और यही कारण रहा कि किसान वो खाद की लाइन में लग जाते हैं और जब वो वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो कई बार कारण ये होता है कि पैसा नहीं होता और फिर वो किसान हल्ला हुल्ली करते हैं, पुलिस उसको सख्ती करती है, डंडा बरसाती है। इसी प्रकार किसान परेशान है, किसान शोषित दुखी है और मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि किसान को कालाबाजारी को रोकते हुए बीज में देख लिया आप, जैसे राजगढ़ जिले का रहने वाला हूँ तो राजगढ़ जिला में एक पाइनर का बीज था और उसको प्रशासनिक जो कर्मचारी उसने दबा दिया गया, जबकि वो वहाँ पूर्णतः उसको पकड़ा गया। SDM क्लब जो कलेक्टर साहब है हमारे और SDM है, कृषि विभाग है, कृषि विभाग के अधिकारी है, सब ने उसको हाथ को पकड़ा लेकिन उस व्यापारी के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब प्रशासन पूरा, जो प्रशासन तंत्र है वो पूरा भ्रष्ट है, वो कभी नहीं चाहते। जो खाद है, खाद मार्केट में अगर आप लेने जाओगे तो गोडाउन के गोडाउन भरे पड़े, वहाँ कोई लेने वाला नहीं है। वो 1700 में दे रहे हैं, कोई 1500 में दे रहे हैं, कोई 1400 में दे रहे हैं। फिर उनसे कहें, सरकार एक गाइडलाइन कर रही है कि आप बिल वाले से लो, जिनके पास में लाइसेंसदारी किसान से लो। अब लाइसेंसदारी किसान से कैसे लेगा आदमी? वो कह रहा है कि मेरे को तो वो लाओ और वो लाओ, 50 तरह के कानून कायदे बता रहा है। वो कह रहा है कि नहीं है मेरे पास खाद नहीं आ रहा अभी, और जो 1700 रुपये लेके जा रहा है उसको खाद मिल रहा है, जो कम भाव में भाई बिल मांग रहा है तो खाद नहीं हमारे पास, बीज मांग रहा है उनकी बिल दे दो तो खाद बीज नहीं हमारे पास। इस प्रकार से किसानों को प्रशासन के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। प्रशासन कह रहा है कि डीलर से लो, और डीलर कह रहा है कि मेरे पास नहीं है। वही अगर वही किसान अगर दूसरे बिना उसके जा बिना बिल के लेने तो उसको जितना चाहे उतना मिल जाता है। ये खास जो मेन सरकार के इनके बीच की कमी है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मांग करूंगा कि इस प्रकार की जो त्रुटियां उसको ठीक करके किसान के हित में कुछ बड़ा निर्णय लिया जा ताकि किसान को राहत मिली जा। एक और क्वेश्चन है, अभी हमारे यहाँ MPP जो लाइट के जो कनेक्शन है, पंप का कनेक्शन है, उसके ऊपर सख्ती चल रही। जब किसान को बीज डालने को नहीं है, खाने को नहीं है, उसके बच्चों का, अभी इस वर्ष दिवाली का सीजन आ रहा है, लोग बहुत सारे घर इस वर्ष पहली बार मैं देख रहा हूँ कि दिवाली मनाई नहीं जाएगी, है ही नहीं कुछ भी उनके पास, इधर बीमार है, मतलब अति परेशान है। डीजल 106 रुपये हो गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, मेडिसिन का भाव बढ़ गया। एक और मैं निवेदन करूं सरकार से कि भाई आप सब चीज़ पे GST लगा रहे हो तो फिर किसान के गेहूं अनाज पे भी GST लगा दो। भाई आपने किसान के डीजल पे GST लगा रखी, किसान के पेट्रोल पे GST लगा रखी, जब किसान की हर चीज़ पे GST है, खाद पे GST है, बीज पे GST है, तो फिर किसान की फसल GST से दूर क्यों? सभी फसलों पे GST लागू कर दो, ये तो कर सकती है ना किसान। बस यही मांग है भाई साहब, ये अंदर की पीड़ा है, मांग नहीं है, मेरे दिल की मतलब दर्द है किसानों का, क्योंकि मैं किसान के बीच रहता हूँ। मैं भारतीय किसान संघ का जिलाध्यक्ष हूँ, घनश्याम जायसवाल नाम है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप इस बात को सरकार तक पहुँचाएं, कैसे भी यही आशा है कि आप सरकार तक हमारी बात को पहुँचाएंगे।
देखिए पूरे मध्य प्रदेश में जो खाद संकट है वो भयावह होता जा रहा है, किसान परेशान हो रहा है, सड़के सड़क पे आ रहा है अपने अधिकार को मांगने के लिए। शिवराज सरकार जो किसान हितेशी बनती है उसका ढोंग करती है, और किसान पुत्र खुद को कहते हैं, तथाकथित किसान पुत्र बने हुए हैं शिवराज जी, वो आज किसानों को पिटवा रहे हैं, किसानों को लाठियां पड़ रही हैं, उनके खाद की संकट को दूर नहीं किया जा रहा। साफ तौर पर ये चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, चुनावी मैदान में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं लेकिन किसानों की कोई सुध नहीं ली जा रही है, क्योंकि उन क्षेत्रों में चंबल का पूरा किसान परेशान है, वहाँ कोई चुनाव है नहीं, इसलिए किसानों के बीच में जाएंगे नहीं। आज शिवराज जी जाएं किसानों के बीच में भी रात गुजारें ताकि उनको किसानों की जमीनी हकीकत से रूबरू होने का मौका मिले, लेकिन ये मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भाजपा सरकार किसानों को बर्बादी की तरफ धकेल रही है। खाद नहीं मुहैया कराएंगे तो पूरी फसलें चौपट हो जाएंगी, जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी, और किसान पहचान चुका है कि ये चुनाव में नौटंकी करने वाले किसानों के हितेशी कभी नहीं हो सकते हैं। इंतजार कर रहा है किसान मध्य प्रदेश का इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का। हमारी मांग है किसानों की खाद संकट को दूर कीजिए, जो उनकी परेशानी है उसको दूर कीजिए, चुनाव चलते रहेंगे। ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अपने आप को किसान पुत्र कहने वाले मुख्यमंत्री और कृषि प्रधान प्रदेश में खाद की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता ने ये फैसला कर लिया है कि इस पनौती मुख्यमंत्री को हटाना है, जिसके रहते मध्य प्रदेश का कृषि और पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच में आक्रोश है, आगामी उपचुनाव में जनता इस सरकार का फैसला करके रहेगी। खाद की कमी से किसान को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्या जिससे मैं मतलब किसान का पुत्र हूँ, मुझे इतनी सारी परेशानियों का झेलना पड़ रहा है कि मैं जब भी जैसे दिवाली आ रही है अभी तो उस पर हमको दिक्कत हो रही है। मतलब अभी सोयाबीन की फसल थी उसमें बहुत नुकसान हुआ, मतलब सोयाबीन की पैदावार बहुत कम हुई है, और इसको देखते हुए खाद भी नहीं मिल पा रहा, तो उसके कारण क्या है, फसल बहुत कम पैदा हो रही है, जिससे किसान को काफ़ी परेशानी हो रही है अपना आर्थिक जो व्यवसाय है उसको चलाने में। जैसे कांग्रेस ने भी शिवराज सरकार पर हमला बोला है, वहीं जब हमने किसानों से बात करी तो किसानों ने ये कहा कि उन्हें भी लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा, लंबी कतारों में खड़े होने के बाद भी उन्हें खाद मुहैया नहीं करवाई गई। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द खाद की व्यवस्था की जाए, अन्यथा हम दिवाली भी ढंग से नहीं बना पाएंगे। प्रवासाक्षी के लिए मैं सुयश भट्ट, भोपाल।